अर्पित में पवन वर्षा योग समिति गटर कमला नगर के बैनर तले शनिवार को डी ब्लॉक कमला नगर स्थित श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में मेडिटेशन गुरु श्री विसंत सागर जी मुनराज सत्संग चातुर्मास कलश निष्ठापन और पिक्षिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर भर से गुरुवर के सैकड़ों भक्त भी शामिल हुए। अर्पित में पावन वर्षा योग समिति ग्रेटर कमला नगर के बैनर तले शनिवार को डी ब्लॉक कमला नगर स्थित श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विसंत सागर जी मुनिराज सत्संग चातुर्मास कलश निष्ठापन व पिक्षिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर भर से गुरुवर के सैकड़ों भक्त शामिल हुए। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विसंत सागर जी महाराज सत्संग चातुर्मास कलश निष्ठापन व पिक्षिका परिवर्तन समारोह में मौजूद अर्पित मय पावन वर्षा योग समिति के प्रवक्ता एवं गुरुवर के परम भक्त मनोज जैन ने कहा कि आज से लगभग 6 माह पूर्व गुरुवर का पावन वर्षा योग शुरू हुआ। इस वर्षा योग में कई बड़े धार्मिक कार्यक्रम सम्पन्न हुए। पता ही नहीं चला कि यह समय गुरुवर की भक्ति में कैसे गुजर गया। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से यह वर्षा योग संपन्न हुआ है। एक से एक कार्यक्रम यहाँ पर हुए जो हमें उम्मीद भी नहीं थी। बहुत हम सादगी से हमने सोचा था प्रारंभ करेंगे, लेकिन अपने आप में गुरुवर की ऐसी भक्ति और शक्ति रही, चुंबकीय आकर्षण रहा, हर कार्यक्रम विशेष बन गया और हमें पता भी नहीं चला कि आज अंतिम दिन हम यहाँ पर पिक्षिका परिवर्तन वाले दिन बात कर रहे हैं आपसे। और बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण आगरा समाज ने हमें सहयोग दिया और साथ में कमला नगर समाज की तो जितनी तारीफ की जाए वह कम है। एक एक व्यक्ति लगा रहा इस चातुर्मास में, बस बधाइयाँ। इसी प्रकार के धर्म के कार्य हम लोग करते रहे मिलकर, तो जिस प्रकार से लगातार चातुर्मास हमें मिल रहे हैं, इस बार हमें इन मुनिराज का मिला, वसंत सागर जी का, उससे पहले सुधा सागर जी महाराज का, उससे पहले प्रणम्य सागर जी महाराज का, ऐसे अनेक चातुर्मास हमें मिल रहे हैं। तो ये सब धर्म की भावना आगरा समाज की है। मेडिटेशन गुरु विसंत सागर जी महाराज के चातुर्मास कलश निष्ठापन व पिक्षिका परिवर्तन समारोह से पहले भक्तों ने मंदिर में श्री जी का पूजन अभिषेक कर धर्म लाभ लिया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।